गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम हीना, योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम सूरत स्कूल रेवाड़ी। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 4 ऑफ विंडोज 7। मीन्स व्हाट इज़ विंडोज 7? विंडोज 7 कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपने इस लेसन में हम विंडोज 7 सीखेंगे। अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जैसे कि विंडो 10, विंडो विस्ता, विंडो एक्सपी, विंडो 8। सो हम लेसन नंबर 4 में विंडो 7 सीखेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट है? द डेस्कटॉप, पर्सनलाइज द डेस्कटॉप, कंपोनेंट ऑफ अ विंडो एंड द एसेसरीज। हम इस लेसन में ये 4 पॉइंट सीखेंगे। स्टार्ट विथ, व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट गेट लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी इज नोन एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तब सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है वो क्या है? हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल कंप्लीट फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर के फंक्शन को कंप्लीटली कंट्रोल करता है। एमएस विंडो इज अ यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड GUI, मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एमएस विंडो क्या है? यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इट मीन्स वी डू नॉट नीड टू लर्न द कमांड टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, वी जस्ट हैव टू क्लिक और सिलेक्ट द कमांड विच आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ आइकन एंड मेनूज। मीन्स हमें कोई कमांड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा कंप्यूटर पे जो आइकन है उसको हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? बूटिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप, व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर आफ्टर द वेलकम मैसेज ऑफ द विंडोज, द फर्स्ट स्क्रीन दैट वी सीन इज द डेस्कटॉप। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहली विंडो जो आती है वो हमारी क्या है? डेस्कटॉप। इट कंटेन्स आइकन, प्रोग्राम्स और फाइल, शॉर्टकट, स्टार्ट बटन एंड टास्क बार दैट आर रिक्वायर फॉर एक्सेसिंग द अवेलेबल प्रोग्राम। देखो यहाँ पर एक इमेज दे रखी है, उस इमेज में देखो जैसे ये कंप्यूटर है हमारा, रिसाइकल बिन है, कंट्रोल पैनल है, इसे हम क्या कहेंगे? आइकन। और नीचे वाली जो रो दिख रही है वो हमारी क्या है? टास्क बार। और जो हमारा पूरा ब्लू दिख रहा है वो हमारा क्या है? वॉलपेपर। और नीचे स्टार्ट बटन का सिंबल है, जो विंडो वाला सिंबल जो होता है ना लेफ्ट साइड कॉर्नर में, वो हमारा क्या है? स्टार्ट बटन। तो हमारी डेस्कटॉप में क्या क्या आएगा? आइकन, वॉलपेपर एंड स्टार्ट बटन। नाउ नेक्स्ट इज आइकन्स। द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन आर कॉल्ड आइकन्स। ईच आइकन इज अ स्मॉल इमेज दैट रिप्रेजेंट अ फाइल, अ फोल्डर और अ प्रोग्राम। यहाँ पे देखो मैंने बताया ना, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, मोजिला फायरफॉक्स, आप कोई भी फाइल बनाते हो अपने नाम से, वो हमारा क्या हो गया? आइकन। यू कैन डबल क्लिक एन आइकन टू ओपन इट। आपको आइकन ओपन करना है तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे। द टेक्स्ट रिटन बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड एन आइकन नेम। जो आइकन इमेज के नीचे जो नाम लिखा हुआ है वो आपका क्या है? आइकन नेम। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड। द पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर और डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो आपको पिक्चर दिखाई देती है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो हमारा क्या है? वॉलपेपर है या तो फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। नाउ नेक्स्ट है टास्क बार। This is the horizontal bar at the bottom of the desktop. देखो जो आपकी स्क्रीन पे सबसे नीचे वाली जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे? टास्क बार। सी द फिगर गिवन बिलो शोइंग द वेरियस पार्ट ऑफ द टास्क बार। तो सबसे पहले टास्क बार में क्या आएगा? स्टार्ट बटन आएगा, देन इंटरनेट का सिंबल है, देन
माई डॉक्यूमेंट मीन्स जिसमें आपकी फोल्डर सेव होती है उसका सिंबल है, फिर है मीडिया प्लेयर का, उसके बाद है जो आपने प्रोग्राम ओपन कर रखे है जैसे कि गूगल क्रोम ओपन कर रखा है आपने या फिर कोई कंट्रोल पैनल ओपन कर रखा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल आपके यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। नाउ राइट साइड में आपका डेट एंड टाइम है और क्लॉक है आपकी और सो डेस्कटॉप बटन है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट मेनू। यू कैन फाइंड एंड ओपन ऑल द प्रोग्राम फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। आपको कोई भी प्रोग्राम फाइंड करना है या ओपन करना है तो आप कहाँ पे जाओगे, स्टार्ट मेनू पे। व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन इट ओपन अ मेनू। द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट बटन विल शो आइकन फॉर द रिसेंटली यूज प्रोग्राम। आप क्या लेफ्ट साइड पे जो स्टार्ट मेनू है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो आइकन आपने जो फोल्डर ओपन किए हैं उसके आइकन डिस्प्ले होंगे। ठीक है। टू सी द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स। व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स मेनू इट विल शो द प्रोग्राम ग्रुप्स एंड प्रोग्राम कंटेन इन दैट ग्रुप अलोंग विद देयर आइकन्स। देखो आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो ये वाली विंडो आपकी ओपन हो गई। उसमें आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। पर्सनलाइज द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर। द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर। वी कैन इजीली चेंज द एग्जिस्टिंग वॉलपेपर। आपका जो डेस्कटॉप के ऊपर बैकग्राउंड है उसको आप क्या कहोगे, वॉलपेपर कहोगे या डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहोगे, आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो। उसके लिए क्या स्टेप है, स्टेप नंबर वन स्टार्ट बटन पे क्लिक करो। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल और कंट्रोल पैनल की आपकी विंडो अपीयर हो जाएगी। देखो फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, नेक्स्ट में आपका कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल पैनल, देखो यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। उसमें देखो थर्ड नंबर का स्टेप क्या है, चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। स्टेप नंबर थ्री क्या है, इन द अपीयरेंस कैटेगरी क्लिक ऑन द चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन इन द लिस्ट। द डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडो अपीयर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका डेस्कटॉप विंडो का बैकग्राउंड अपीयर हो गया। नाउ नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर का स्टेप क्या है, आप कोई पिक्चर या कोई कलर आपको चेंज करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। नाउ फिफ्थ नंबर का स्टेप है आपका, जो भी चेंजेस आप करते हो उसको सेव कीजिए। ठीक है, ऐसे आप अपना बैकग्राउंड में डेस्कटॉप चेंज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्रीन सेवर। व्हेन योर कंप्यूटर इज not in use for some time an animated image appears on the monitor this is called the screen saver means आप कंप्यूटर पे कुछ काम नहीं कर रहे और आप चाहते हो कि कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए स्लिप मतलब स्टॉप हो जाए काम करना तो आप ऑटोमेटिकली उसमें एक टाइमर सेट कर सकते हो कि 30 सेकेंड 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट के बाद अपना आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्रीन सेवर। अब ये स्क्रीन सेवर ओपन करने के लिए क्या स्टेप है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, देन क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल, फिर कंट्रोल पैनल की विंडो अपीयर होगी। उसके बाद आप देखो अपीयरेंस मीन्स थर्ड नंबर का जो स्टेप है उसके ऊपर क्लिक करोगे। देन थर्ड नंबर का स्टेप क्लिक होने के बाद इन द डिस्प्ले कैटेगरी क्लिक ऑन द चेंज स्क्रीन सेवर ऑप्शन। नाउ थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर का स्टेप क्या है, डिस्प्ले में जाओगे आप, चेंज स्क्रीन सेवर उसके ऊपर क्लिक करोगे और स्क्रीन सेवर सेटिंग की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ विंडो डिस्प्ले देखो यहाँ पर राइट साइड में देखिए स्क्रीन सेवर सेटिंग विंडो, उसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 5 क्या है, आप कौन सा स्क्रीन सेवर चाहते हो वहाँ पर अपना स्क्रीन सेवर सिलेक्ट करो। उसके बाद 6 नंबर का स्टेप है कि आप प्रीव्यू देखो कि कैसा दिखेगा आपका स्क्रीन सेवर। देन 7 नंबर का स्टेप है ओके, मीन्स आप इस स्क्रीन सेवर को अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे देखो आपका स्क्रीन सेवर यहाँ पे सिंपली विंडो 7 लिया है,
तो आपके स्क्रीन पर विंडोज 7 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप स्क्रीन सेवर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट मेनू पे क्लिक करो, देन क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, देन डिस्प्ले में जाना है, देन डिस्प्ले में जाने के बाद चेंज स्क्रीन सेवर। ठीक है, चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड स्क्रीन सेवर कैन ऑल्सो बी डन बाय राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड चूजिंग पर्सनलाइज ऑप्शन। मीन्स आपका स्टेप क्या है, स्टार्ट बटन पे जा रहे हो फिर कंट्रोल पैनल में जा रहे हो। अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं करनी तो आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक के बाद एक मेनू ओपन होगा, वो मेनू में पर्सनलाइज ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप सीधे कंट्रोल पैनल वाले मेनू में चले जाओगे। वहाँ से आप अपना बैकग्राउंड प्लस स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हो। यू विल गेट द सेम पर्सनलाइजेशन विंडो टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड स्क्रीन सेवर एज एक्सप्लेन इन द अबोव स्टेप। तो इस प्रोसीजर से भी आप अपना बैकग्राउंड और स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट, थैंक यू।